में हम लोगों ने इनवर्स का टॉपिक पढ़ा था, एडजॉइंट भी सीखा था। बेसिकली एडजॉइंट इसलिए सीखा था क्योंकि एडजॉइंट का यूज होता है इनवर्स निकालने के लिए। आज हम लोग ये सीखेंगे कि इनवर्स का यूज क्या है, हमने क्यों पढ़ा था इनवर्स को। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने क्रैमर रूल पढ़ा था, ठीक है। और क्रैमर रूल क्या करता है, क्रैमर रूल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। हम क्रैमर रूल की हेल्प से इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, और इस तरीके का नाम है मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड को हम लोग इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। तो क्रैमर रूल से हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी, उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है मैट्रिक्स मेथड और इन्वर्जन रूल। अब जैसे किसके नाम में ही इन्वर्जन है, तो साफ पता चलता है इसे सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्स की जरूरत होगी। तो बेसिकली हमने इन्वर्स इसलिए सीखा था क्योंकि इनवर्स का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हो, उस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके नोट्स में पेज 1.22 पर टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.8 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ब्रैकेट में लिखा है इनवर्सन मेथड। और तीन क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तीन क्वेश्चंस सीखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मैट्रिक्स मेथड से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन हमने क्रैमर रूल से भी करा था और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से भी करेंगे और ये देखते हैं कि आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। वैसे आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है आपको, यूज द मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व फॉलोइंग नेशनल इनकम मॉडल। द इक्वेशंस दी हैं और इसके आगे लिखा है वेयर आई जी ए बी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं जो दी है। गिवन y is equal to c plus i plus g, c is equal to a plus by, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, मैंने आपको समझाया था जो भी नेशनल इनकम का मॉडल होगा उसमें हमें y और c की वैल्यू निकालनी है। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब अगर दो ही इक्वेशंस हैं, तो दो इक्वेशंस हैं मतलब दो चीजें निकालनी है। तीन इक्वेशंस हैं तो मतलब तीन चीजें निकालनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इक्वेशंस दी जाएं और तीन चीजें पूछी जाएं, क्योंकि दो इक्वेशन से तीन चीजें निकल ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से वाई और सी की यहां पर वैल्यू निकालेंगे। हमने क्रैमर रूल में भी वाई और सी की वैल्यू निकाली थी। अब जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है, मैंने बताया था, उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, बाकी चीजें राइट साइड पे रखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, हमें y और c की वैल्यू निकालनी है, तो y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, c को भी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और राइट साइड पे आपके पास बचेगा i plus g। सिमिलरली यहां पे c ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट साइड पे है, हम y को भी लेफ्ट साइड पे लाएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है, y को y के नीचे ही लिखा जाएगा, c को c के नीचे ही लिखा जाएगा। इसलिए जब मैं y को इधर लेके आया तो मैंने y को y के नीचे लिखा है, और जब मैं c को इधर लेके आया था तो c को मैंने इधर लिखा है, c c नीचे और y y एक दूसरे के नीचे। राइट साइड पे आपके पास बचा है। अब ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। मैट्रिक्स नोटेशन, ठीक है। मैट्रिक्स नोटेशन में ये इक्वेशन क्या होगी, पहले y का कोफिशिएंट, c का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, c का कोफिशिएंट,
सी का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, y के कोफिशिएंट का मतलब y के साथ में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। c का कोफिशिएंट मतलब c के साथ में क्या है, तो यहां y के साथ में 1 है, c के साथ -1, y के साथ -b, c के साथ 1। इसके बाद ब्रैकेट में जो चीजें हमें निकालनी है, ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स में y और c के कोफिशिएंट, दूसरे मैट्रिक्स में जो चीजें हमें निकालनी है y और c, बाकी राइट साइड वाला आपका रहेगा तीसरी मैट्रिक्स में। कुछ इस तरह से ही हमने क्रैमर रूल में भी करा था। अब देखिए ये जो आपकी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप ए नाम देंगे, इसको एक्स और इसको नाम दोगे आप बी, ठीक है। आपको एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स है वाई और सी। तो आप क्या करोगे, आप ए को, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इधर रहने दो, ए को इधर लाओ। अब ध्यान रखना, जब कोई मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में हो और आप मैट्रिक्स का साइन चेंज करोगे, तो यहां मैट्रिक्स के ऊपर क्या पावर है, कुछ भी नहीं, तो 1 पावर है। वो पावर इधर आएगी, जब ये इधर आएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी और ये क्या हो गया, ए इनवर्स। तो जब आपका ए इधर आया तो इधर आके ए हो गया है ए इनवर्स इनटू बी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना। और यहां पे लिख लेना वेयर एक्स क्या है, एक्स है आपकी ए मैट्रिक्स, वाई एंड सी, ए क्या है आपका, ए है ये मैट्रिक्स 1 -1, बी एंड 1, एंड बी क्या है, बी है आपकी ये मैट्रिक्स आई प्लस जी एंड ए, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी। अब हमें करना क्या है, हमें पहले ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखना होगा ना ये 0 आएगा या नहीं आएगा, अगर 0 आ गया तो फिर इनवर्स निकलेगा नहीं, क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का, 1 -1, बी एंड 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो बी माइनस बी की आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास बी, इट इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। अब लाइन लिख लेना, सो ए इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। अब एक बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये बताया था, अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एडजॉइंट निकालो, ठीक है, या आपसे कहा जाता है इनवर्स निकालो, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना दो बातें, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडजॉइंट निकालने के लिए कहा नहीं गया है, कुछ और पूछा गया है, पूछा तो कुछ और गया है बट हमें एडजॉइंट की जरूरत है, क्या हमसे पूछा तो कुछ और गया है क्वेश्चन में बट हमें एडजॉइंट की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है उसके ऑर्डर है 2 by 2, तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में एडजॉइंट पूछा नहीं गया है, कुछ और पूछा गया है बट एडजॉइंट की जरूरत है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालना है उसके ऑर्डर क्या है, 2 by 2, तो आप डायरेक्ट ही एडजॉइंट निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। डायरेक्ट एडजॉइंट कब निकलेगा, जब क्वेश्चन में एडजॉइंट नहीं पूछा हो, पूछा कुछ और हो। दूसरी कंडीशन, मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर के होने चाहिए, अगर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा एडजॉइंट, कोफैक्टर निकाल के ही निकलेगा, 2
टू बाई टू में निकल जाता है डायरेक्ट। कैसे निकलता है समझते हैं, आपकी जो ए मैट्रिक्स है ना, आप इन दोनों की जगह चेंज कर दो, तो इन दोनों की जगह चेंज करोगे वन वन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। इन दोनों की साइन चेंज कर दो, जो भी साइन है साइन बदल दो, तो इन दोनों की साइन माइनस माइनस है, प्लस प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास एच। अब ए इनवर्स निकालना है, इजीली निकाल लो, वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है, और ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। इनवर्स हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो वाई और सी की वैल्यू निकालनी थी। तो मैट्रिक्स मेथड का पहला काम यह होता है आप ए इनवर्स निकाल लो और ए इनवर्स की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, लिख लेना फ्रॉम वन। तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू लिख लो, यहां पे एक्स की वैल्यू है वाई और सी, इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू लिख दो, ये 1 माइनस बी और ये 1 बी 1 1। इसके बाद ये जो b है ये वैल्यू पुट कर दो, i प्लस जी एन ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है ये। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट है दो, सेकंड सॉरी इस कॉलम में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट है दो, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे 1 इनटू आई प्लस जी, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड में प्लस 1 इनटू ए, ठीक है। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगी, अब सेकंड रो लेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो कितने एलिमेंट है यहां पे दो, यहां कितने एलिमेंट है दो, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट में b की i प्लस g में प्लस दूसरे की दूसरे में यानी 1 की मल्टीप्लाई a में, ठीक है, ये हो गया। तो मैं सारी जो चीजें हैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर से। अब बाहर वाली जो लेफ्ट साइड है ये आपकी ऐसी रहेगी, राइट साइड पे बाहर 1 माइनस बी है ये भी ऐसे रहेगा। अब 1 की i प्लस g में मल्टीप्लाई करोगे तो i प्लस g आ जाएगा प्लस a, और b के अंदर मल्टीप्लाई मत करना ऐसे रहने दो, और 1 इनटू a क्या हो जाएगा प्लस a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस b है 1 डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यहां भी यहां भी, जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा i प्लस g, एक काम होकर i प्लस g और a 1 माइनस b और b i प्लस g प्लस a 1 माइनस b। तो बेसिकली हमने इसकी मल्टीप्लाई यहां पे भी कर ली, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां पे भी कर ली। अब y और c लेफ्ट साइड पे आपका ये है, तो पहली वाली जो वैल्यू है ना आपकी, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था अगर याद हो, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे और दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों के ऑर्डर सेम है ना, यहाँ इस मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है, इस मैट्रिक्स में जो कॉलम है इसके दो ही एलिमेंट है, इसके भी दो ही एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से साइन कैंसिल हो जाता है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल देंगे, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट राइट वाली का फर्स्ट एलिमेंट एक का, तो ये हो गया आई प्लस जी प्लस ए वन माइनस बी, एक काम होगा ना,
ए को पहले लिख लेना, ए प्लस आई प्लस जी, आगे पीछे लिख सकते हैं ना प्लस में तुम, और ये दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के इक्वल रख देना, बी आई प्लस जी वन माइनस बी इजिकल टू, सॉरी प्लस ए। अब इसमें क्या करना, इसमें भी ए को पहले लिख लेना। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है, बिल्कुल यही आंसर क्रैमर रूल से भी आया था। क्रैमर रूल से जब हमने क्वेश्चन करा था, तो अब क्रैमर रूल आपके नोटबुक में जाकर देखिए, जब क्रैमर रूल से करा था तब भी यही आंसर आया था, अभी भी ये आंसर आया है। क्रैमर रूल में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, याद है? नहीं याद है तो नोट्स खोलो, देख के बताओ क्वेश्चन नंबर क्या था क्रैमर रूल में। हाँ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर देख लो यार, नोटबुक वोटबुक भी भूल गई होगी, खो गई होगी बहुत सारे बच्चों की तो, और बहुत सारे तो बच्चे इतने भी महान हैं, उन्हें तो नोट ही नहीं करा होगा, सिर्फ वीडियो देख के काम चला लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, फीस टाइम पे देते रहना, अब चाहे आप नोट करो या मत करो। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, तो क्वेश्चन नंबर टू आप पढ़ लीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड हेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, और इस इनवर्स को यूज करके नीचे जो इक्वेशंस दी गई हैं इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? तो आप एक काम करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, आप फटाफट से इस क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दी हैं वो चीजें आप लिख लो।